We keep this session very small. We'll simply do two illustrations, right? Illustration number 4 and illustration number 5. So this will give you two ideas. One is the valuation idea and other is the calculation of taxes. Aiye dekhte hain. Illustration 4. An importer imported some goods on 1st January 2019 and the goods were cleared from Mumbai port for warehousing on 8th January 2019. Goods import kiya gaya hai 1 January 2019 ko. Mumbai port se wo clear hua 8 January 2019 ko by submitting bill of entry. Exchange rate us din tha 50 rupees per US dollar. FOB value is US dollar 10,000. The rate of duty on 8 January 2019 was 20%. The goods were warehoused at Pune and were cleared from Pune warehouse on 31st May 2019. Okay. Goods ko Pune warehouse mein dala gaya. Ab Pune warehouse se jab clear karaya gaya, to wo date thi 31st May 2019. When the rate of basic custom duty was 12%. Aur is din basic custom duty ka rate 12% tha. हालांकि 8 जनवरी को जब मुंबई पोर्ट से हटाया गया तो उस दिन बीसीडी का रेट क्या था, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उस दिन 20% था. लेकिन जिस दिन आप वेयरहाउस से हटा रहे हो उस दिन रेट हो चुका है 12%. एक्सचेंज रेट उस दिन का था 68.75. हालांकि जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री सबमिट किया था उस दिन का एक्सचेंज रेट था 50 रुपीज पर यूएस डॉलर. 68.75 ऑन द डेट ऑफ क्लियरिंग फ्रॉम वेयरहाउस. आईजीएसटी इज एट द रेट ऑफ 12%. You are required to find the total custom duty payable and the interest, if any payable. Custom duty payable bataiye aur interest kuch payable hai to bataiye. To ab thoda sa discussion kar lete hain pehle is question mein. Exchange rate kaun sa use hoga, 50 rupees wala ya 68.75? bataiye. Exchange rate us din ka use hota hai jis din aap bill of entry file karte ho. तो 50 रुपए वाला रेट यूज होगा, ये रेट यूज होगा, ठीक है. रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी यूज होगी, 20% बिल ऑफ एंट्री के दिन वाली, या फिर जिस दिन आपने क्लियर कराया वेयरहाउस से, जिस दिन आप वेयरहाउस से क्लियर करा रहे हो रेट ऑफ ड्यूटी वो लगेगी. तो रेट ऑफ ड्यूटी हो जाएगी 12%. अब इंटरेस्ट किस पीरियड का लगेगा, 8 जनवरी से लेके 31 मई तक जितना दिन होता है इतने दिन का ब्याज लग जाएगा, ठीक है. शुरू किया जाए. एफओबी वैल्यू 10,000 यूएस डॉलर. चलिए एफओबी 10,000. क्वेश्चन में क्या मुझे फ्रेट दिया है, नहीं दिया है, तो 20% ले लीजिए एफओबी वैल्यू का. तो 10 जाएगा 20% हो गया 2,000 रुपया. क्या मुझे इंश्योरेंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, 1.125% एफओबी का लेंगे. एफओबी यानी 10,000 रुपए का, 10,000 का 1.125% 112.50. तीनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया सीआईएफ. And you very well know CIF is equal to assessable value, ठीक है. FOB में freight insurance जोड़ेंगे CIF आ जाएगा, and whatever is CIF is your assessable value. This assessable value is in US dollar. Now we need to calculate assessable value in Indian rupee, जिसके लिए आपको exchange rate से multiply करना पड़ेगा. Exchange rate आपको लेना है 50 रुपए का, तो ये देख लीजिए 50 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया इस फिगर को, ये रही फिगर, द सेम फिगर हैज कम ओवर हियर. सो एसेसेबल वैल्यू आ गई हमारी 6,05,625. नाउ द रेट ऑफ बीसीडी गिव टू बी अप्लाइड इज 12%, द डेट ऑन विच यू हैव क्लियर द गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस. सो 12% मुझे लगाना है किसका, 6,05,625 का, इसका 12%, तो यह आ गया 72,675. Now social welfare surcharge. This is social welfare surcharge. ये क्या रेट से लगेगा, 10% के रेट से लगेगा इस पे बीसीडी पे 10% लगा दिया मैंने. तो अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ने के बाद जो फिगर आ रही है इस पे लगेगा अब आईजीएसटी. आईजीएसटी का रेट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 12% का, ये रहा. तो 12% अब मैं इस पे आईजीएसटी लगाऊंगा, देख लीजिए 12%. ये जो ऊपर फिगर आ रही थी
685 क्या आ रहा था ना, जस्ट लेट मी चेक आउट, 685 क्या था यहां पे, 685 567.5 इंटू 12%, तो ये आएगा 82,268.1। हाँ ठीक है, ये यहां पे फिगर गलत लिखी है बच्चों, इसको सही कर लो, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, ये 685 567.5 था। ठीक है, वही फिगर पे 12% लगाया तो ये आईजीएसटी आ गया, आईजीएसटी बिल्कुल सही आ रहा है। तो टोटल हो गया ये वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। अब कस्टम ड्यूटी निकालनी है, कस्टम ड्यूटी निकालने का तरीका, ये टोटल वैल्यू में से एसेसेबल वैल्यू घटा दीजिए, 767,835.6 माइनस कितना था वो एसेसेबल वैल्यू, 6,05,625, जरा करके देखिए तो 767,835.6 माइनस 605,625, दिस विल गिव यू 1,62,211। 60 पैसे आ रहे हैं, राउंड ऑफ कर लीजिए, कस्टम ड्यूटी राउंड ऑफ करके पे कीजिएगा, 1,62,211 रुपए। अब इसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा आपको, कितने दिनों का, 8 जनवरी से 31 मई। ठीक है, देख लीजिए कितना दिन होता है, दिस इज कमिंग टू 144 डेज। अब आपको यह भी बात पता होगी कि 90 दिन के बियॉन्ड जितना होता है उस पे ही इंटरेस्ट लगता है, तो माइनस कर दीजिए 90 डेज, इट विल कम 54 डेज, 54 दिन का ये इंटरेस्ट निकाल दिया मैंने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 15%, तो 15% के रेट पे 54 दिन का इंटरेस्ट। परफेक्ट है, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताए, आराम से देखिए, बियॉन्ड 90 डेज इट इज ओनली 54 डेज, सो वी हैव कैलकुलेटेड इंटरेस्ट फॉर 54 डेज। राइट, नाउ प्लीज हैव अ लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 5। विपुल इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स इन दिसंबर 2018 एंड इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री वॉज प्रेजेंटेड ऑन 14 दिसंबर 2018। बिल ऑफ एंट्री वॉज प्रेजेंटेड ऑन 14 दिसंबर 2018। एक्सचेंज रेट आपको हमेशा इसी दिन का लेना होता है, दिस डेट इज रिलेवेंट फॉर एक्सचेंज रेट। एंड गुड्स वर क्लियर फ्रॉम द पोर्ट फॉर वेयर हाउसिंग, ओके, एसेसेबल वैल्यू ऑन दैट डेट वॉज $1,00,000, ये है एसेसेबल वैल्यू, ओके। द ऑर्डर परमिटिंग द डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस फॉर 4 मंथ वॉज इशूड ऑन 21 दिसंबर 2018, 4 महीने की परमिशन मिली थी वेयर हाउसिंग को इस तारीख को। ठीक है, विपुल डिपॉजिटेड द गुड्स इन वेयर हाउस ऑन द सेम डे बट डिड नॉट क्लियर द इंपोर्टेड गुड्स इवन आफ्टर द वेयर हाउसिंग पीरियड गॉट ओवर ऑन 20 अप्रैल 2019। वेयर हाउसिंग कब तक कर सकता था वो 4 महीने के लिए, तो 21 दिसंबर से 4 महीने पूरे होते हैं 20 अप्रैल 2019 को, लेकिन उसने इस दिन क्लियर नहीं किए, तो कब क्लियर किया आगे पढ़िए। अ नोटिस वाज इश्यूड अंडर सेक्शन 72 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 डिमांडिंग ड्यूटी इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस। विपुल क्लियर द गुड्स ऑन 14 मई 2019, 14 मई 2019 को उसने गुड्स क्लियर किया। अगर समय पे गुड्स आप क्लियर कर लेते हो तो जिस दिन क्लियर करते हो उस दिन की हम कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं, और अगर आप समय पे क्लियर नहीं करते हो तो जो लास्ट डेट होती है गुड्स क्लियर करने के लिए, जो आपको लास्ट दिन दिया जाता है गुड्स क्लियर करने के लिए, उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी लगा देते हैं, क्योंकि ये डीम कर लिया जाता है कि उस दिन माल आपने रिमूव कर लिया। तो भाई 20 अप्रैल तक का ही समय था, आपने यहां पर रिमूव किया, तो हम 20 अप्रैल को ही गुड्स रिमूव हो गए ये मानते हुए कस्टम ड्यूटी इस दिन का लगा देंगे, रेट ऑफ ड्यूटी यहां की होगी। ठीक है, नीचे देखिएगा, 3 डेट, ये डेट थी बिल ऑफ एंट्री फाइल करने वाली, ये डेट थी जिस दिन आपको माल निकाल लेना था वेयर हाउस से, और ये वो डेट है जिस दिन आपने माल निकाला। तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की उस दिन की मैं एक्सचेंज रेट लूंगा, तो ये वाला एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल है, 65 रुपए 20 पैसा। ठीक है, रेट ऑफ ड्यूटी उस दिन की ली जाएगी जिस दिन आपको जो लास्ट डेट है माल निकाल लेने का वेयर हाउस से, तो 10% की। ठीक है,
फिर कहता है नो अदर कस्टम ड्यूटी इज पेबल एक्सेप्ट बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा कोई भी दूसरी ड्यूटी पे नहीं करनी है। ध्यान दीजिएगा एक ड्यूटी बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर ही लगती है, वो है SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो ये तो लगेगा, ये लगेगा यानी BCD प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। कोई और कस्टम ड्यूटी ना लगने का मतलब हो गया कि IGST वगैरह नहीं है इस पे, राइट। अगर 10% की बेसिक कस्टम ड्यूटी है और 10% का 10% फिर SWS लगाना है, यानी कुल मिला के 11% की ड्यूटी है। 10% का ही तो 10% SWS है, BCD 10% है और 10% का 10% और, यानी कि 1% और, यानी 11% आप कह सकते हैं टोटल ड्यूटी पे करनी है। एसेसेबल वैल्यू हो जाएगा $1,00,000 × 65.20, तो ये हो गया 65,20,000 रुपए, 65,20,000, ठीक है। अब 65,20,000 का 11% होगा, बच्चों यहां पे गलत टाइपिंग है, इसको 11% कर लीजिए, सही करिए। तो 65,20,000 का 11% कितना होता है कैलकुलेट कीजिए, 7,17,200। प्लीज बच्चों ध्यान दे रहे हो ना, इधर करेक्शन करना है कुछ, 11% क्यों लिया हमने बोलो, 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी है और 10% का 10% SWS हो जाएगा, तो कितना हो गया 10% का 10% मतलब 1% होता है, तो 11% मैंने ले लिया सीधे सीधे। आपको दो टुकड़े में कैलकुलेट करना है, दो टुकड़े में कैलकुलेट कर लो अलग अलग करके, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी हो जाएगी 7,17,200 रुपए, तो यहां भी काट के सही कीजिए, 7,17,200 रुपए। अब इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 7,17,200 रुपए पे 90 दिन के बियॉन्ड कितना डिले है देख लीजिए। तो मैंने डिले यहां पे काउंट किया है, दिसंबर 21 से 31 दिसंबर 11 दिन हो गया, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई के 14 दिन, टोटल कर लिया 145 दिन, 90 दिन के बियॉन्ड 55 दिन, 55 दिन का ब्याज निकाल दिया मैंने इस कस्टम ड्यूटी पे, 7,17,200 पे 55 दिन का ब्याज, क्या रेट से, 15% के रेट से। तो ये कितना आ जाता है बच्चों, ये भी गलत है, इसको सही कहिए, 16,211 रुपया। कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताइए, और परफेक्ट है तो बड़ी सुंदर बात है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हालांकि उसको समय मिला था एक 20 अप्रैल तक का, तो क्या 20 अप्रैल के बियॉन्ड ही इंटरेस्ट लगेगा, नहीं, 20 अप्रैल के बियॉन्ड ही इंटरेस्ट लगेगा ऐसा नहीं है। आपने अगर समय के अंदर विड्रॉ कर लिया, गुड्स निकाल लिया, तब तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर समय के अंदर नहीं निकाले तो 90 दिन का ब्याज माफ है और 90 दिन के बियॉन्ड आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो मोटा मोटी आप समझिए कि 4 महीने का आपको समय मिला था, फिर भी 3 महीने का ब्याज नहीं लगाया, बस 90 दिन का ही तो ब्याज नहीं लगा, उसके बियॉन्ड तो ब्याज लग ही गया, ठीक है। तो समय पे माल ना निकालने पे वेयर हाउस से 90 दिन के बियॉन्ड जितना भी समय है उस पे ब्याज आपको देना होता है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लीजिएगा, एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो आज की क्लास में बस यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे, पर्पस भी था कि आज हम लोग दो इलस्ट्रेशन देखेंगे, राइट, विल स्टॉप हियर।